गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज बात करने वाले हैं विथ, जो कि एक प्रीपोजिशन है, और इससे पहले हमने कई प्रीपोजिशन अपने प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि विथ का यूज आपको कैसे करना है और इसका कहाँ पे यूज होता है। तो विथ का मतलब होता है साथ, विथ का हिंदी मतलब होता है, जैसे कि मैं हिंदी सेंटेंस बोलूँ कि मैं उसके साथ वहाँ पर जाऊँगा, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा। तो ये काफ़ी सिंपल प्रीपोजिशन है और आप अच्छे समझ सकते हैं एग्जांपल के साथ। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ आप बताते हैं कि विथ का यूज आपको कैसे करना। तो ये रहा पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, और ये है सी इज डांसिंग विथ हिम अ डांस पार्टनर, यानी कि वह उसके साथ डांस कर रही है, जो कि एक डांस पार्टनर है। तो यहाँ पे विथ का यूज हुआ है मतलब कि साथ के सेंस में, ठीक है, वह उसके साथ डांस कर रही है, ठीक है। और सेकेंड आपका एग्जांपल है आर यू हैप्पी विथ दैट अरेंजमेंट, मतलब कि क्या तुम खुश हो विथ दैट अरेंजमेंट, क्या तुम उस अरेंजमेंट से खुश हो। तो यहाँ पे विथ का काफ़ी अच्छा यूज हुआ है, और आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये रहा एग्जाम्पल लेवल टू का एग्जाम्पल, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यू मस्ट कॉम्प्लीट एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट विथ योर क्लासमेट। इसका मतलब होगा कि मस्ट का हम यूज कराएंगे अभी जल्दी ही, क्योंकि मॉडल है, ठीक है, तो हम इसको कराएंगे। और इसका हिंदी अर्थ होगा यू मस्ट कम्प्लीट एट लीस्ट वन प्रोजेक्ट, यानी कि तुम्हें कम से कम एक प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने क्लासमेट के साथ। इसका पूरा मतलब होगा कि तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ कम से कम एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। और ये रहा आपका चौथा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे। तो चौथा एग्जाम्पल है आई एम कमिंग फ्राम अब्रॉड विथ माई फ्रेंड्स। अब्रॉड मतलब होता है विदेश से या बाहर से, तो इसका हिंदी अर्थ होगा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से आ रहा हूँ विथ माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थर्ड का एग्जांपल, जिसमें कि पांचवा एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो यू आर टॉकिंग सच अ वे एज इफ यू वेंट देयर विथ वीपन, यानी कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, एजिप का मतलब होता है कि जैसे कि, ठीक है, तो तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम वहाँ हथियार के साथ गए थे, ठीक है। वेंट का यूज हुआ है, यानी कि एक पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये रहा छठवां एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे, यू कैन डू एवरीथिंग विथ पेशेंस व्हाट एवर यू वांट, यानी कि तुम कुछ भी कर सकते हो पेशेंस के साथ, जो भी तुम करना चाहते हो। तो ये ऑलमोस्ट एग्जांपल हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और ये काफ़ी सिंपल है विथ का यूज करना स्पीकिंग में, तथा नॉर्मल लोग समझ जाते हैं, और इससे इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमने प्रीपोजिशन आपके लिए यही अनाउंसमेंट था कि आपका प्रीपोजिशन प्लेलिस्ट करीब इसमें 12-13 वीडियो आ चुके हैं, जैसे कि अंटिल का यूज, अनलेस का यूज, या फिर अदर टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है जो विथ से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और कंजेशन का प्लेलिस्ट भी हम तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रोनंसिएशन का भी बनाएंगे कि आपको कैसे स्पीकिंग में कैसे किस वर्ड को प्रोनंसिएशन करना है, यानी कि बहुत लोग क्या होता है कि ग्रामर का नॉलेज होते हुए भी वो सही से बोल नहीं पाते हैं, या फिर शब्दों को सही से बोल नहीं पाते हैं, तो को प्रोनंसिएशन के दौरान देखा जाएगा कि आपको बोलना कैसे। तो आप लास्ट में है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कुड अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज ऑन माई चैनल। ओके, थैंक यू।